हेलो भाई, मैं हूं अरुण पवार और फिलहाल मैं कैसे देश के अंदर खड़ा हूं। जी भाई, देश के अंदर खड़ा हूं मैं, इंटरनेशनल पहुंच रखा हूं भाई। जहां पे नंबर प्लेट्स आप देखते हो कुछ इस तरीके से होती है, जहां पे ये थोड़ा सा हाऊ ब्लाउ से बने रहते हैं टेढ़े-मेढ़े अक्सर, लेकिन हमारी समस्या तो बाहर रहते हैं। बट भाई ऐसी अजीब और गरीब नंबर प्लेटों के बीच में ये है थाईलैंड है। वैसे ये थाईलैंड का पटाया शहर है भाई, ये जहाँ पे हम फिलहाल खड़े हुए हैं। आए थे घूमने फिरने, हम तो आए थे वैसे शू करके, बट भाई ऐसी नंबर प्लेट्स के बीच में एक इतनी स्पेशल गाड़ी हमारी, तो मैं खुद भी रख चुका हूँ वो यहाँ पे खड़ी हुई देख के, जिसको हमारे इंडिया में इतना अंधा प्यार मिल रहा है भाई, वेटिंग नहीं टूट रही। उस गाड़ी को थाईलैंड में देख के आज दिल इतना उत्साहित है ना भाई, ये लगा लो मज़ा आ गया। और ये करा किसने, बस एक ही आदमी इस काम को कर सकता है भाई हमारी नज़रों में, तो जो भाई हमारे यहाँ पे छपे हुए हैं। हम भाई गुड्डे से और उस पिक्चर से तो बात करेंगे नहीं, हमारे भाई साहब हमारे साथ हैं। सुनाओ अनमोल भाई, कैसे भाई? हो भाई? जी बस एकदम बढ़िया। इनका तो रोज का सा हो गया है, रोज का क्या, कितने महीने से निकले हुए भाई? अब 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट। 4 महीने हो गए, और कितने दिन की ट्रिप और बची हुई है? 10 तक हो रहा है अभी तो। तो आज इस वीडियो में पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे और गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, कैसी इनकी नज़र में है एक ट्रैवलर पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में आज हम भाई से बात करते हैं। तो अनमोल भाई सबसे पहले मोस्ट वेलकम है आपका चैनल के ऊपर भाई। तो सबसे पहले ये बताओ, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया आप निकले हुए हो भाई स्कॉर्पियो में, अभी हमने जब आपने ये स्टार्टिंग करी थी हमने तब भी एक वीडियो शूट करी थी, फिर इससे एक बार मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे स्कॉर्पियन लेके आप तब निकले, मैंने आपसे तब भी यही पूछा था कि यही गाड़ी आपने क्यों चुनी, दुनिया भर की गाड़ियाँ इंडिया में भी इंडियन ब्रांड्स के द्वारा भी है, हैरियर, सफारी नहीं, फेसलिफ्ट भी, आपका डिसीजन आपको थोड़ा बहुत रिग्रेट करता है अभी फिलहाल में कि यार कोई और गाड़ी होती तो बेटर होता, या फिर यू आर मोर देन सेटिस्फाइड? देखो अभी के हिसाब से देखें ना तो गाड़ी मेरे को परफेक्ट लगती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो अभी टाटा की नई सफारी आई है ना, हाँ, वो मुझे थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है इससे, क्योंकि उसमें फीचर थोड़े से एक्स्ट्रा है, प्लस सनरूफ भी बड़ी है। बट वैसे देखा जाए 4x4 और कैपेबिलिटीज गाड़ी की, तो जब मैंने ये ली थी उस टाइम तो कोई गाड़ी थी नहीं कि जो इस टक्कर में इस प्राइस पॉइंट में मेरी पूरी ज़रूरतें पूरी कर पा रही हो। लेकिन अब के टाइम पे मुझे टाटा सफारी और इसके बीच में थोड़ी कन्फ्यूजन होती, बट एट द एंड मैं चूज इसी को करता क्योंकि ये 4x4 है अपनी। अच्छा, तो फोर भाई पूरा रूट मैं समझाऊंगा, लेकिन जिन जो भाई बिल्कुल ही नए हैं उनको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप कर रहे हैं, यहाँ पे से आप समझ सकते हो 11 प्लस कंट्री होंगी, 20,000 किलोमीटर और 100 प्लस दिन होंगे। तो ये कुछ डाटा में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है भाई? हाँ, डाटा में एक तो कंट्रीज 11 प्लस थी, वो 11 हो गई, वियतनाम ने एंट्री नहीं दी। हाँ। उनका ये था कि जिस गाड़ी में राइट साइड स्टेयरिंग व्हील है उनको हम अलाउ नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड वाला ही अलाउड है। अच्छा। और दूसरी चीज 20,000 से ज्यादा 25,000 ऑस्ट्रेलिया तक होगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया में 7,000 से 8,000 और होगा, तो 30,000 प्लस जाएगा। एंड डेज भी ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए, तो 120 दिन तो हो ही चुके हैं, और अभी भी 3 महीने और लगेंगे, लगभग 2.5-3 महीने। तो ये तो डबल। अनमोल भाई कैसी फीलिंग कैसी आ रही है आप? चलो देखो हम तो वैसे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आपको जब चलाते हुए लेके आते हो तो कैसा लगता है इन सब गाड़ियों के बीच में अपनी गाड़ी को देख के? मस्त लगता है, मतलब रोड पे जैसे हम जर्मनी वगैरह में थे पिछली ट्रिप में, तो वहाँ पे एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ जाती थी, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, बट उनके जो चलाने वाले लोग थे वो मुड़ के हमारी गाड़ी को ही देखते थे। मतलब वो चीज़ में ना काफ़ी प्राउड फील होता है कि एक तो HR नंबर अपने गुड़गांव की गाड़ी आ गई, दूसरा इंडियन ब्रांड की गाड़ी ले आए, तो वो एक अलग ही किक है। वैसे भाई पहले इंडिया टू लंदन भी कर चुके सेम गाड़ी के साथ, तो मेनली आपने ये इन्हीं उसमें चलाई है मेरे ख्याल से। हाँ, ये इंडिया में तो 1500-2000 किलोमीटर भी नहीं चली होगी, सारा बाहर ही चली है 34,000 में से टोटल, क्योंकि इंडिया में भाई पे गाड़ी इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। फिलहाल की डेट में क्या क्या गाड़ी रख रहे हो भाई? मेरे पास एक टाटा टियागो है, एक ऑडी की Q3 है, एक थार है और एक स्कॉर्पियो है। 4 गाड़ी फिलहाल है। ये ऑडी Q3 तो लोकल के लिए मतलब वैसे ले रखी है, वैसे सेकंड हैंड ली थी लग्जरी वगैरह के लिए, और X7 निकाल ली। हाँ, वो तो कब की नहीं भाई, भाई ने मतलब मान लो 25-26 साल की उम्र में X7 लेके चला चलू के फैमिली को बिठा के बेच भी दिए है, और मजे ले रहे हैं इस पे। BMW वगैरह भी कर सकते थे, बट वही है नाम, देश का नाम ऊंचा करना है भाई, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था इस प्रोडक्ट से, क्योंकि भाई दुनिया ये पूछती होगी भाई कौन सा ब्रांड है, क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है। बिल्कुल, पहले दिल्ली से नेपाल से तिब्बत, मतलब जो चाइना का ही पार्ट है अभी तो फिलहाल, वो चाइना पूरा क्रॉस करते हुए हम एंटर करें लाओस में, लाओस के बाद वियतनाम जाना था बट उन्होंने एंट्री दी नहीं, तो हम लाओस से आगे सीधा अपना थाईलैंड में, तो अब थाईलैंड से हम जा रहे हैं आज कंबोडिया, फिर वापस कंबोडिया से थाईलैंड आएंगे, थाईलैंड से जाएंगे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, देन सिंगापुर से गाड़ी शिफ्ट होएगी सीधा ऑस्ट्रेलिया में।
तो सिंगापुर तक बाय रोड है। कई लोगों को लगता है इंडिया से बाय रोड है नहीं, बट सिंगापुर तक आप बाय रोड जा सकते हो। और अगर म्यांमार भी खुला है ना, अभी तो फिलहाल 2-3 साल से म्यांमार बंद है इंडिया साइड से, अगर आप म्यांमार से जाते हो तो आप चाइना को भी स्किप कर सकते हो, बट अभी म्यांमार बंद है तो चाइना से ही जाने का रास्ता है एक। अच्छा एक बार ये बताओ भाई, अभी तक जितने आपने हमें रूट में बताया, कौन सी साइड पे राइट एंट्री हुआ ना, कौन सी में लेफ्ट है? यार देखो, चाइना में जाते ही, नेपाल में तो इंडिया जैसा ही सिस्टम है, नेपाल से जाते ही चाइना में उल्टा हो गया था, ठीक है, फिर लाओस में भी उल्टा रहा, अब थाईलैंड में आके वापस इंडिया का हो गया, कंबोडिया में फिर उल्टा हो जाएगा, तो अब ये उल्टा पलटा चलता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया वाला है। तो ये स्टेयरिंग व्हील की बात कर रहे हैं भाई हम, इधर उधर उसकी कन्फ्यूजन नहीं होती क्या? कन्फ्यूजन नहीं होती ऐसे? कन्फ्यूजन नहीं होती, क्या है ना, इतना ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। जैसे लंदन ट्रिप में भी यही था कि ईरान टर्की उल्टा था, यूरोप उल्टा था, फिर यूके सेम इंडिया जैसा हो गया था। तो अब क्या होता है, जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो शुरू का 10-15 मिनट का ट्रांजिशन थोड़ा सा वो होता है, एक बार वो कर लिया तो आपका दिमाग सेट हो जाता है कि हाँ इस साइड ही चलानी। और मजा कौन सी में ज़्यादा मतलब आता है? जैसे नहीं, वो तो सेम ही लगते हैं दोनों में, डिफरेंस कुछ ऐसा खास नहीं है, बट वैसे इन देशों में ना चलाने में ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे ना लोग रूल्स फॉलो करते हैं लेन ड्राइविंग के, तो थोड़ा रिस्क कम लगता है कि अचानक से कोई घुस जाएगा लेन में, तो वो थोड़ा सा बेटर है। अच्छा हर जगह BS6 फ्यूज ये मिल जाता है भाई डीजल अपना? हाँ, डीजल हर जगह। और ये DF वगैरह आप खुद कैरी करते हो या ये यूरिया? DF भी मिल जाता है, अभी चाइना में भरवाया था हमने, तो हमें तो वहाँ उम्मीद ही नहीं थी कि मिलेगा, बट वहाँ मिल गया, तो थाईलैंड जैसे देशों में तो मिल ही जाएगा। तो स्कॉर्पियन कितना लेती है, मतलब कितने किलोमीटर चल जाती है टॉप अप पे? कहते तो है 15,000 के आसपास, बट हमारी 12-12,500 पे 10% आ जाती है, तो फिर हम भरवा लेते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है भाई, फॉर्च्यूनर तो 4-5 पे बोल लेती है, 4,000 पे तो खत्म हो लेता, छोटा सा टैंक है उसका। ये बढ़िया क्योंकि भाई जैसे ये टैंक वगैरह का सिस्टम ना, भाई जैसे जो ट्रैवलर होते हैं जिनको लंबा चलना होता है वो ही बता सकते हैं कि फ्यूल टैंक और जो यूरिया टैंक है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये कैसे फाड़ दिया भाई? ये वॉशिंग करते वक्त निकल गया था। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखना जरूरी होता है या फिर मतलब? नहीं, जरूरी नहीं होता, बस सेफ्टी पर्पस के लिए। भगवान ना करे कुछ हो, एक्सीडेंट वगैरह, तो पता उस कंट्री में। अच्छा, ये ऊपर जेरी कैन वगैरह रखते हो? हाँ। इनकेस अगर फ्यूल नहीं मिलता है तो, क्योंकि कुछ कंट्रीज के हाईवे ऐसे है ना जो हमें मैप में तो पता है कि एक दिन में 800 किलोमीटर चलाने हैं, बट उसमें फ्यूल स्टेशन मिलेगा कितने किलोमीटर में नहीं मिलेगा, तो टाइम पे हम फ्यूल भरवा के चलते हैं 20 लीटर ये। अच्छा जैसे अभी तो थाईलैंड में खड़े हो, वैसे बीच बीच में जब तक शिपिंग होती है आप इंडिया चले जाते हो? हाँ, शिपिंग के टाइम पे इंडिया, जैसे सिंगापुर से शिप होएगी तो 20-25 दिन लगते हैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में, तो हम 20-25 दिन ना वहाँ कुछ कर सकते हैं ना ऑस्ट्रेलिया जाके कुछ कर सकते हैं, तो बेटर है इंडिया जाओ, खर्चा बचाओ अपना। तो भाई एक बात बताओ, अब देखो आपने इतनी कंट्री ये घूम लिया, अभी तक सबसे बेस्ट कंट्री क्या है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग वगैरह के बारे में बात करो, जो लेन डिसिप्लिन और बहुत तगड़ा मतलब रिस्पेक्टफुली करते हो? क्योंकि इंडिया में तो ऐसा है HR में कोई झारखंड या बिहार की गाड़ी आ गई, कोई UP तक की आ गई, उसको इतना सेट देते हैं दह औरन और अलग तरीके से देखते हैं नजर। दूसरे देशों में भी वाला सिस्टम है कि हमारी मेंटेलिटी खराब है? देखो सबसे बेस्ट मुझे यूरोप का सिस्टम लगा, जैसे अपने इंडिया की स्टेट्स है ना, उतनी उतनी दूरी पे वहाँ पे नई नई कंट्रीज है, जैसे आपको जर्मनी से स्विट्जरलैंड जाना है तो ऐसा लगेगा जैसे अपना हरियाणा से पंजाब जा रहे हो। अच्छा, तो वहाँ पर सिस्टम क्या है कि सब लोग एक तो लेन ड्राइविंग इतने अच्छे से फॉलो करते हैं, दूसरी चीज़ आपको ना साइड देते हैं, जैसे कई कंट्रीज में क्या होता है ना जो फास्ट लेन होती है राइट वाली, लोग उसमें ही 50 की स्पीड में चला रहे होते हैं, आप उनको डिप पर मारो हॉर्न मारो वो हटेंगे ही नहीं, वो कहेंगे तुम लेफ्ट से जबरदस्ती का ओवरटेक ले लो, गलत पर मैं नहीं हटूंगा। लेकिन इन देशों में क्या है, लोग ऑटोमेटिक ना दे देते हैं, और जो फास्ट चलाने वाला है वो ही लेन उसमें चलाएगा फास्ट लेन में, जो स्लो वाला है वो स्लो में चलाएगा, ट्रक अपनी लेन में चलाएंगे, ऐसा नहीं कि ट्रक वाले घुस गए जबरदस्ती, तो वो चीज़ अच्छी लगती है यूरोप में। अच्छी ये जितनी कंट्री अभी करी यूरोप में सबसे बेस्ट लगा, इनमें मजे वाली बात में फॉलो होती है। चाइना में क्या सीन है? चाइना में भी फॉलो करते हैं लोग। अच्छा, पर सबसे बेस्ट जो लोग लगे ना वो यूरोप में लगे थे, जो साइड दे रहे थे प्रॉपर और अपनी लेन ड्राइविंग कर। और फिलहाल जो हम थाईलैंड में खड़े हैं, यहाँ के यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थोड़े से लोग कई कई चिड़चिड़े से है, बट ओवरऑल जनता ट्रिप में यहाँ पे 35,000 किलोमीटर इसने कवर पूरे कर रखे हैं। अच्छा जैसे चालान फालान तो नहीं आता होगा भैया गाड़ी का? देखो इन देशों में ना मैंने हाईवे पे बहुत कम पुलिस देखी है, मतलब हमारे इंडिया में जैसे खड़े रहते हैं साइड में पुलिस वाले स्पीड कैमरा लेके और चालान काट देते, यहाँ पे नहीं मिलते आपको इन देशों में क्या सिस्टम है, सीधा कैमरा का कैमरा कैप्चर करती है, बैंक से चालान कट के पैसे कट जाते हैं, पर हमारे को फायदा यह है कि हमारी नंबर प्लेट इंडिया ना, तो इनके डेटाबेस में है ही नहीं वो चीज, तो इसलिए हमारे चालान कटते नहीं है। टर्की में हमारे साथ ये हुआ था कि हमें लगा था कि नहीं कटेंगे, तो हमने पूरे टर्की में चला लिया, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करने लगे उस टाइम पे उन्होंने 3,500 रुपए का चालान पकड़ा दिया, तो मेरे ख्याल से वो उनका सिस्टम ऐसा था कि कैमरों में ये रिकॉर्ड करके रखते हैं, फिर जब बंदा बॉर्डर क्रॉस करेगा तब लो उनसे पैसे, लेकिन उसके बाद से किसी देश में नहीं आया हमने, मतलब 120-130 चलाई है कई बार, तो आया तो नहीं चलाने सर। भाई देखो हम तो फ्लाइट से आए, भाई गाड़ी लेके आए, और भाई इतना मजा आ रहा, अब तक टैक्सियों में घूम रहे थे हम तो, और आज अपनी गाड़ी में ऐसे लग रहा है कहाँ गए। ये सीट बेल्ट तो हर जगह जरूर रहती है, ये देख रहे भाई, और ये लिखा रहता है इनकी कुछ भाषा में
स्टैप आईडी लगा रहे हो ना, ये कौन सा देश है, ये थाई आपका, थाईलैंड, नो पार्किंग। भाई समझ आ जाता है आपको कितने रुपए का फाइन है, बताओ कितने का लिख रहा है ये? कौन सा? ये वाला नहीं, फाइन नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, नो पार्किंग को ही थाई भाषा में लिखा नीचे। ओहो भाई एक्सपर्ट। फाइन तो क्योंकि डिजिट तो हमेशा उसमें ही होगी ना, न्यूमेरिकल में ही। वो इतना फर्क, जैसे अब यहाँ की नंबर प्लेट भी है वो देखो 1902, तो न्यूमेरिकल नॉर्मल में ही है ये। ये तो चाइना में क्या नंबर मिला? चाइना में वहाँ तो नंबर लेना पड़ता है ना, नंबर अलग प्लेट, उनके चाइनीज लैंग्वेज में ही लिखा हुआ था वो तो। और फिर अनमोल भाई रूल्स का कैसे पता करते हो? हर कंट्री के रूल्स अलग है भाई। अब जैसे ये आ रहा है सामने से, हमारे यहाँ तो अपने आप बचाता ही ऐसे रहता है। देखो अगर मतलब गलियों में हो ना तो कोई इतना नहीं पूछता, बट आप वैसे मेन सिटीज में और हाईवेज पे प्रॉपर रूल फॉलो करने चाहिए। अच्छा, नहीं वैसे बेसिक एथिक्स भी इनमें बहुत ही होते हैं ना, इतना हॉर्न नहीं बजाते। हाँ, और इनका हमने सुना ही नहीं, आवाज इनका कभी नहीं है, थोड़ा देर वेट कर लेंगे। इंडिया भाई गाड़ी फाड़ी के मामले में देखो बुरा मत मानना, पर बहुत ही जैसे बाहर देशों में आते हैं तब पता चलता है इतना डिसिप्लिन। और वैसे बदनाम देश है वैसे तो ये, बट इन मामलों में गाड़ी घोड़ा के मामले में तो बहुत ही गुड़ है भाई। ऑटोमोबाइल कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, बहुत मजेदार है एकदम। मैं आपको अपनी फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अब भाई जैसे चले जाएंगे तो हम कैसे डोलेंगे, और अब अपनी गाड़ी यही चीज कन्वीनियंट काफी है, अपनी गाड़ी से दूसरे देश आना ना, आप जहाँ निकलना है अपना गाड़ी उठाओ निकल जाओ, कैब का खर्चा बचता है कैब, वरना बसेस करो। अच्छा, इधर कोई भी मतलब गाड़ी लेके आ सकता है, एनी कार? हाँ, जैसे बाहर के देशों में आप कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हो। होना चाहिए उस गाड़ी का कार्नेट, जैसे हमारा पासपोर्ट होता है गाड़ी का, कार्नेट भी पासपोर्ट होता है गाड़ी का। और दूसरी चीज, वो गाड़ी उस बंदे के नाम पे होनी चाहिए जो आ रहा है ट्रिप पे। आप ऐसा नहीं कि आपके पापा के नाम पे और आप गाड़ी लेकर आ गए, तो बॉर्डर क्रॉसिंग में बहुत दिक्कत होती है। हो सकता है उसका भी सलूशन कि आपके पापा एक एनओसी काट के दे दे कि ये मेरे बिहाफ पे लेकर जा रहा है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट कई दिक्कत करेंगे कस्टमर। पर भाई अगर आपका भी जैसे मन होता है ना कहीं से घूमने का, तो भाई जैसे लोग तो बहुत ज्यादा लेते हैं ऐसे, उसका डेढ़ डेढ़ दो दो ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपए इन कंसल्टेंसी का। भाई ने पूरी सीरीज के थ्रू ए टू जेड नॉलेज बांट रखी है, और खुल के जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी अगर भाई का शौक हो कि भाई अगर ऐसे बाहर घूमना है, तो इन्होंने पूरा डिट्टो बता रखा है कैसे आप गाड़ी से आ सकते हो और क्या कुछ बजट मानो। भाई करोड़ों में तो जाता होगा? नहीं करोड़ों में नहीं, यही लोगों के मन ये थोड़ा सा डाउट है। जैसे मैंने जब 2019 में इंटरनेट ट्रैवलिंग शुरू करी थी ना फ्लाइट से भी, तब लोगों को लगता था कि आप थाईलैंड दुबई जाओगे तो आपके डेढ़ दो लाख रुपए लग जाएंगे, बट मैंने उस टाइम पे भी 30-30, 40-40 हजार में ट्रिप करके दिखाई थी कि कहाँ रुका जाए, कहाँ खाया जाए, कैसे सस्ती टिकट। तो इस ट्रिप को लेकर भी लोगों के मन में था, तो मैंने लंदन वाली ट्रिप लगभग हमारी 108 दिन की थी, हम दो लोगों का 32 लाख का खर्चा आया था, यानी 16-16 लाख, उसमें शिपिंग, खाना पीना, रहना, डीजल, कारनेट, डॉक्यूमेंट्स, घूमना, टिकट सब इंक्लूडेड था। मतलब आप खुद देखो, अगर आप नॉर्मल बंदा, अगर अपने हस्बैंड वाइफ है एक कपल है और वो कोई 9-10 कंट्रीज भी चूज करते हैं, तो वो उससे ज्यादा खर्चा कर देंगे 20-30 लाख रुपए से ऊपर। हमने उस ट्रिप में 30 कंट्रीज कवर करी, और वो भी गाड़ी से, और जिसमें से मेजर खर्चा जो था ना वो शिपिंग का ही था, क्योंकि वापसी आते वक्त लगभग 4 लाख रुपए लगे शिपिंग के, जाते वक्त 3 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए तो शिपिंग के ही थे उसमें से, और बाकी खर्चा अपना। भाई अभी भाई इतने मंझ चुके हैं ना, इतनी नॉलेज हो चुकी है इनको हर कंट्री के बारे में, क्योंकि अभी तक कितनी कंट्री कर ली 5 साल से आप जैसे बता रहे हो? टोटल मेरी हो चुकी है 44, और गाड़ी से हो चुकी है लगभग 36। 36 कंट्री कार से? हाँ। तो आप उससे आइडिया लगा लो, आप किसी कंट्री का नाम बोलोगे भाई विल टेक यू देयर। इससे आप सोच के देखो कितना हर कंट्री के बारे में नॉलेज ये सब मिलती होगी भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अनमोल भाई एक चीज और बताओ, देखो ये तो हो गया चलो अपना जैसे कंटेंट वगैरह पूरा सिस्टम रहता है, बट ये ऐसे घूमने में बाहर कंट्री में मजा है रियलिटी में? मजा है, बस जैसे कई कंट्री जैसे कोई यूट्यूबर नहीं है नॉर्मली आता है तो मजा आता है अपनी कार से, उनको उल्टा ज्यादा मजा आएगा, या फटीक लगती है कि यार गाड़ी से गाड़ी का सोच ओंच ले, या फिर ऐसे फ्लाइट से आ जाओ घूम फिर के चला जाओ, या गाड़ी के अपने मजे ही है? गाड़ी से वही बंदा आ सकता है जिसको इंडिया में भी गाड़ी चलाने का शौक हो। अब बंदे को गाड़ी चलाने का ही शौक नहीं और वो उठा के आ जाए जी 25,000 किलोमीटर, तो वो तो मुश्किल है उसके लिए, उसको बहुत दिक्कत होगी। बट जिसको गाड़ी का शौक है, जैसे आपको शौक है अगर कि मेरे को गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे बेस्ट लगता है मुझे तो फ्लाइट से भी ज्यादा बाय रोड ट्रेवल करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि परेशान नहीं करता ना लोग, ना पुलिस ना कोई भी, बिल्कुल लीगली कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही है, वीजा है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा जी, ये बढ़िया है। अच्छा एक चीज और बताओ, गाड़ी की सर्विस कहाँ करवाते हो भाई? क्योंकि बाहर देशों में तो महिंद्रा है ही नहीं, ओनली इंडिया में डोल रहे, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी है, बट जैसे थाईलैंड हो गए इधर महिंद्रा वगैरह का सिस्टम नहीं है।
तो फिर इसकी सर्विस वगैरह कैसे? अच्छा, तो यही चीज से मुझे लगती थी, तो लंदन ट्रिप में तो नहीं था महिंद्रा उन किसी भी कंट्रीज में, तो हमने यूरोप की एक कंट्री में ही सर्विस करवाई थी, सारे स्पेयर पार्ट्स इंडिया से लाए थे, इंजन ऑयल ब्रेक पैड्स वगैरह, और वहाँ पे लोकल मैकेनिक पकड़ा, उससे इंजन ऑयल लिया सिंथेटिक वाला और अपने पार्ट्स दिए, उसने सर्विस कर दी। अच्छा, लेकिन इन देशों में क्या लोगों को पता नहीं है, जैसे लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इसमें महिंद्रा है। अच्छा, ये गाड़ी है उधर? नहीं, गाड़ी ये नहीं है, पर वहाँ पे महिंद्रा है। और होता क्या है ना, जैसे एक यहाँ पे ना मल्टी ब्रांड्स के एक स्टोर होते हैं, कि एक ही स्टोर के अंदर आपको फोर्ड भी मिलेगा, लैंड रोवर भी मिलेगी, ठीक है, महिंद्रा भी मिलेगी, तो वो ही लोग ना कुछ गिने चुने मॉडल इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि लाओस की बात करें तो वहाँ पे स्कॉर्पियो का पिकअप ट्रक बिकता है, स्कॉर्पियो क्लासिक बिकती है, एक KUV बिकती है, और एक और थी कोई सी, वो बिकती है। तो हमारे एक स्टोरी बताता हूँ, हमारा इसमें ना रीजनरेशन का इशू आ गया था लाओस में, और वो रीजनरेशन ऑटो हो ही नहीं पा रहा था, मतलब उसमें क्या था, फिर वो लगाना ही पड़ता अपना OBD स्कैनर। तो हमें पता चला कि लाओस में महिंद्रा एग्जिस्ट करता है, तो जो मुंबई में महिंद्रा सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पे इरफान भाई है, उन्होंने कनेक्ट करवाया, और महिंद्रा टीम स्पेशली दूसरी सिटी से फ्लाइट पकड़ के हमारे पास दूसरी सिटी में आई, OBD से यहाँ पे पूरी गाड़ी ठीक करी और गए फिर वो। पर ये तो है सर्विस के मामले में तो A1 होते जा रहे हैं महिंद्रा वाले। हाँ, A1 होते, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, काफी लोग कहेंगे कि आप यूट्यूबर हो इसलिए आपके लिए कर रहे हैं ये वो, अब उस चीज में मुझे नहीं पता। देखो, मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, अब नॉर्मल कस्टमर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस है वो उनको ही ज्यादा पता होगा वो चीज। भाई ये है, देखो वो सोशल मीडिया को लेके तो महिंद्रा वाले इंडिया तक ही नहीं, इंडिया में तो थे ही बहुत तगड़े। आपने वॉशिंग की भी एक रील बना के ऐसे डाल दी ना, तो उल्टा आप घर पे पूरी वॉश किया, ड्राई क्लीन करने आ जाते हैं, और इंटरनेशनली भी आ रहे हैं, ये कमाल की चीज। अगर गाड़ी में कोई भी 1% भी दिक्कत आ गई तो वो वाली चीज है, पूरा माल पानी भर रखा है भाई, पूरा ठोक के भरे रखते हो। लगेज चाहिए ना, क्योंकि अब देख लो 4 महीने निकले हुए हो गए ऑलरेडी, और 3 महीने और, तो कपड़े, थोड़ा बहुत इंडियन खाना वाना भी सब कैरी करना पड़ता है, रेडी टू ईट फूड। तो भाई बस मन लग जाता 4 महीने घर से बाहर, यार ये ऐसे जिद सी नहीं हो जाती कि यार करना ही करना है, जब गाड़ी पे लिख दिया तो करना, अब तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचना ही पड़ेगा, या बीच में हिम्मत सी टूटती है यार, कि थोड़ा ऐसे कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉडी भी थक जाती होगी यार। बॉडी तो थकती है, और ऊपर से मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है कमर में, और ड्राइविंग मैं अकेला ही करता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ है वो सिर्फ कैमरामैन है, उसको ड्राइविंग नहीं आती, तो उस टाइम पे मेरी बॉडी बहुत एग्जॉस्टेड फील करती है कभी कभी, जैसे किसी दिन 700-800 किलोमीटर एक दिन में करना है तो बहुत थक जाते हैं, बट हौसला वैसा कभी नहीं टूटा कि नहीं यार ट्रिप छोड़ के चलते हैं वापस, क्योंकि ये खाली यूट्यूब के लिए नहीं है, ये वैसे ही एक अंदर से कॉल थी कि मुझे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है, और जब गाड़ियों का शौक आया तो वो दोनों चीजें जुड़ गई कि गाड़ी के साथ ट्रैवल करना है पूरा वर्ल्ड। तो कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल, 700-800 किलोमीटर हमने एक बार यूरोप में 980 किलोमीटर सिंगल डे में करा था, लगभग 9-10 घंटे लगे थे, वहां के तो हाईवे तगड़े होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल भी फटीक फील नहीं हुआ, कंफर्टेबल थी। ये तो है भाई, स्कॉर्पियो सो मच लाजवाब, और ब्रेकिंग वगैरह से लेके गाड़ी कोई कभी कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि भाई माइनस टेम्परेचर से लेके हॉट टेम्परेचर में चाइना, तिब्बत, हर जगह, वहां से बेस कैंप से हर जगह से निकले के आई है ये गाड़ी। -15 तक लेकर गए हैं हम इसे, और मैक्सिमम 49 तक लेकर गए हैं ईरान में, और अभी फिलहाल इतनी गर्मी है भाई यहाँ पे, बहुत बुरी तरीके से गर्मी पड़ रही है, तो हर जगह परफेक्ट काम करती है। तो भाई इंडिया में बहुत लोगों को डाउट रहता है इनके ऊपर, इसकी रिलायबिलिटी वगैरह, देखो फर्स्ट लोड में दिक्कत है, हर गाड़ी में होती है, लेकिन महिंद्रा ने जो अभी फिलहाल के टाइम में इस गाड़ी के अंदर इम्प्रूवमेंट करी है ना भाई, रियलिटी में भाई जीत जागता एग्जांपल है, हर टेरेन हर जगह इन्होंने दौड़ाई है, गाड़ी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाटा फाटा में मैं तो कहता हूँ उसमें दिक्कत आ सकती थी भाई, पर ये तो ये लगा लो कुछ फर्स्ट लोड की गाड़ी, अच्छा फर्स्ट लोड सही निकली मेरी, तो कोई दिक्कत भाई, किस्मत की बात है भाई, क्या करें यार, और कुछ नहीं है, ठीक है चलो, टेम की शोभा है। अच्छा एक चीज बताओ, फोर ये कभी यूज करें हैं ये? हाँ ये तिब्बत में बहुत करे हैं, मतलब वहाँ तो बर्फ ही बर्फ थी रोड्स पे, और उस पे तो बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। वैसे तो जनरली 4x2 में ही हर जगह से इसने निकाल दिया, एक बार हम इसको थोड़ा ज्यादा स्नो में ले गए थे, और एक बार थाईलैंड में ही बीच पे ले गए थे, तो वहाँ पे 4x2 में अटक गई थी, तो जैसे ही मैंने इसको 4x4 4H हाई वाला लगाया, निकल गई गाड़ी, मतलब 4 लोग ही तो जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। एवरेज क्या देती है इसमें? तो फिलहाल 8.7 किलोमीटर पर लीटर दिखा रही है भाई, आप बताओ ऑनेस्टली क्या देती है भाई ये? देखो जो मैंने लंदन वाली ट्रिप थी ना, उसमें लगभग 24,000 किलोमीटर गाड़ी चली थी, और उस ट्रिप में मुझे नेट 10.8 की एवरेज दी थी। अच्छा। तो मैं पूरा ओवरऑल आपको बता रहा हूँ 4 महीने चलाने के बाद, कि मेरा कितना फ्यूल लगा था, कितना लीटर, उस हिसाब से। ठीक है, इस ट्रिप में मैंने 2 बार टेस्टिंग करी है, एक बार चाइना में करी थी, चाइना में इसने दी थी 9.7 की, और अभी जो थाईलैंड से पहले लाओस में करी थी उसमें दी थी 11 की।
तो वो डिपेंड करता है आप कहाँ चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, सिटी यूज है, हाईवे यूज है, पर एवरेज आपको अगर सिटी हाईवे का मिक्स है तो 10 के आसपास दे देगी ऑटोमेटिक वाली है। तो कहने का मतलब वो ये 10-11 के अराउंड रहे, 11 से ऊपर कभी नहीं गई आज तक। हाँ तो इंडिया में भाई सेम चीज है, लोग पता नहीं 15-16-17 कैसे निकालते हैं, मेरे तो आज जन पता नहीं बिल्कुल ही स्लो रेंगते हैं क्या। मैं भी कहता हूँ भाई इतनी दे ही नहीं सकती, इतनी देती नहीं यार स्कॉर्पियो, मैनुअल वाली नहीं देती। आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या रहता है, धीरे चलाते हो या खींचते हो? यार यहाँ के रोड मस्त है ना, क्योंकि हाईवे पे तो देखो हर जगह लिमिट 120 है, तो 120 लिमिट है, तो 115 से 130 के बीच में रहती रहती है हमेशा गाड़ी। सिटी में मैं कभी भी स्पीडिंग नहीं करता, सिटी में 40-50 ऐसे चलती है, मैक्सिमम 60-65। अच्छा कोई पंगा भी होता है कोई एचआर, मतलब ऐसे बाहर का वो देख के कोई मतलब? ना कभी कुछ नहीं। उल्टा जो इंडियंस मिलते हैं वो बहुत खुश होते हैं, तो ज्यादातर सब्सक्राइबर्स मिलते हैं या कोई ऐसा भी इंडियन मिलता है जो सब्सक्राइबर नहीं है या जानता नहीं है, तो वो बहुत खुश होता है कि हाँ कुछ लोग निकले हुए ऐसे इंडिया से गाड़ी लेके। तो भाई देखो पूरा सब कुछ भाई को वो करना पड़ता है। एक बार आओ भाई, एक बार दिखा देते हैं भाई की थोड़ी गाड़ी की मॉडिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ को इन्होंने पैडल बदलवा रखे हैं, यहाँ पे ये लगवा रखा है थोड़ा सा लैम्बोर्गिनी स्टाइल, और तो गाड़ी बिल्कुल एकदम वो ये नॉर्मल। यहाँ पे अपना कुछ सामान वामान रखने का सिस्टम है, यहाँ पे अपना नट बोल्ट जो मतलब पेचकस वगैरह, क्योंकि कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ जाए तो वो है। यहाँ पे ये लगवा रखा है भाई एक फोन वोन चार्ज करने के लिए रेगुलरली, और यहाँ ये भी साउंड स्टोरेज का ही है भाई। हाँ ये स्टोरेज के लिए अपना मोबाइल पर्स दो बस है। और पीछे जाके और दिखाता हूँ, आ जाओ एक बार भाई ये देखो यहाँ पे। ओ अरे भाई कितना लेज वेज भाई, हर जगह लेज लेके चलते हो लेज वगैरह, और पूरा स्टॉक भर रखा है भाई ने, और पूरे बैग वैग ठोक के। तो कहने का मतलब जब बड़ी गाड़ी का फायदा भी मिलता है भाई कि आप सामान ठोक के भर के ले जाओ, पर दो लोग का ही फायदा है जाने का। चार लोग जाओगे एक गाड़ी में तो बहुत लगेज आ नहीं पाएगा, फिर देख लो हमारे दो लोगों में इतना लगेज भर गया। ऊपर से मैंने तो ये मॉडिफाई कर रखी है, पूरी वुडन बनवा रखी है, पूरी इसमें सारे स्पेयर पार्ट्स है अपने। ये क्या चीज है भाई? ये डीजल जैसे खत्म हो जाए किसी के ट्रक से लेना हो या कुछ लेना हो तो पंप करो इससे अलता बलता। एसेंशियल फर्स्ट एड किट ये अपने लिए ले रखी है, कंपलसरी कुछ होता है? ना ना अपने लिए ले रखी है। और ये सब क्या है? ये टो चेन, अपना हुक हो गए, डबल साइड टेप, मतलब हर जगह फंस ना जाओ कहीं भी, वो है पूरा है जो। और अब आपने इसकी रिसेंटली सर्विस करवाई थी, अब जरूरत नहीं पड़ेगी स्पेयर पार्ट्स लगा दिए? नहीं नहीं अभी इस बार ट्रिप में नहीं हुई है सर्विस, अब मैं कंबोडिया जा रहा हूँ, कंबोडिया से वापस थाईलैंड आऊंगा, थाईलैंड में ही करवाऊंगा सर्विस। तो स्पेयर पार्ट्स वो कहाँ रखते हो? वो एक और कंपार्टमेंट है यहाँ पे आप देखोगे तो। ओ भाई 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 जो उसमें ये वाला ये कंपार्टमेंट है, इसको खोलोगे तो इसमें सारे स्पेयर पार्ट्स है। एक नंबर प्लेट है एक्स्ट्रा, मतलब ये वाली नहीं, नॉर्मल जो आफ्टर मार्केट प्रिंट होती है, कभी ये वाली नंबर प्लेट टूट जाए खो जाए तो उसको लगवा लो, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं कि वही वाली नंबर प्लेट चाहिए, यहाँ तो नंबर प्लेट होनी चाहिए बस, तो इसलिए एक्स्ट्रा वगैरह का यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। वो वाली बात है, देखना भाई जय श्री राम का नाम यहाँ पे भाई ने चला रखा है थाईलैंड में यार, और क्या लोगे देख लो भाई थाईलैंड ये। अब वहाँ वैसे तो हमारे वहाँ यहाँ की तरह तो ग्राउंड वगैरह होते नहीं, पर इन गाड़ियों से आप समझ सकते हो ये मार्च पार्च इंडिया में तो आती नहीं है, ये पूरा ये है। ज़्यादा क्रेज आपने हर देश में कौन सी उसका देखा है भाई, कौन ब्रांड का? हाँ टोयोटा मेरे ख्याल से हर जगह होगी नंबर वन। इन देशों में टोयोटा हर जगह है, टोयोटा की भी स्पेशली फॉर्च्यूनर और हाईलैक्स, मतलब फॉर्च्यूनर से ज़्यादा मुझे हाईलैक्स दिखती है इन देशों में। लाओस में भी हमने देखा हाईलैक्स भरी पड़ी है, यहाँ थाईलैंड में भी बहुत हाईलैक्स है। इन देशों में ना पिकअप ट्रक का बहुत वो है, अभी इंडिया में उतनी क्रेज आई नहीं है पिकअप ट्रक की, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत प्रेफर करते हैं पिकअप ट्रक लेना। तो गाड़ी परफॉर्मेंस ओके हर तरीके से मजा दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं? एक ही इसकी दिक्कत है क्रूज कंट्रोल को लेके। क्या? जैसे कभी कभी हाईवे पे ना क्रूज कंट्रोल करना काम करना बंद कर देता है, तो गाड़ी साइड लगाओ, इंजन ऑफ करो, इंजन स्टार्ट करो, फिर चलेगा वहाँ। अच्छा तो ये मैंने अपडेट भी करवाया था इस बार इंडिया जब गया था, पर फिर भी हुआ नहीं सॉल्व, एक आ रही है ये प्रॉब्लम। भाई थ्रो कम है ये लाइट्स का जो आपने ये एक्स्ट्रा लगवा रखी है? हाँ इनका थ्रो कम है, जैसे हम चाइना तिब्बत में थे तो वहाँ पे तो रात को मतलब 7 बजते ही ऐसा अंधेरा हो जाता था, ना कोई स्ट्रीट लाइट ना कुछ, तो उस वक्त यही काम आती थी। अच्छा वैसे सही है, वैसे हेडलाइट काम कर जाती है बढ़िया। चलो अनमोल भाई बहुत बहुत हैप्पी जर्नी भाई, थैंक यू, कंप्लीट करो भाई इसको और ज्यादा चलाओ, फिर भाई से मिलेंगे इंडिया आगे, ठीक है जी? अपना आप भाई निकल रहे कंबोडिया की तरफ, फिर इसको ऑस्ट्रेलिया ले जाके ही दिखाएंगे। तो भाई और आपको पूरी सीरीज फॉलो करनी है तो इंडियन बैकपैकर पे आप जाके देख लेना, एक एक घंटे के भाई ने पूरे एपिसोड बना रखे हैं A to Z, जहाँ पूरी डिटेल आपको मिलती है, इन्फॉर्मेटिव है, मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाना, कैसे क्या करना है, हर चीज़ और ज़्यादा डिटेल में घुसना हो, पूरी ट्रैवलिंग देखनी हो, तो भाई अपना ये ऐसे करके अपना बताते हैं। चलो अनमोल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।